देखिए, आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे नागपुर शहर में माननीय सीपी सर, जॉइंट सीपी मैडम और हमारे एडिशनल सीपी सर, इनके निर्देशानुसार हम रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन, ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में कोई भी जो हमारे मतदाता है इनमें इन पे कोई भी दबाव ना डाले, लोकसभा इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो, इसलिए हम सब जितने भी क्रिटिकल एरियाज है वहाँ से रूट मार्च कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप शांति से रहिए और शांति से मतदान करिए, किसी के दबाव में मत आइए। तो प्राइमरीली हमारा मोटिव यही है कि सबको पता लगना चाहिए कि पुलिस प्रशासन और उसके साथ जो भी फोर्सेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कि हमारे साथ अभी CRPF की एक कंपनी है, उनके असिस्टेंट कमांडेंट और सारे कॉन्स्टेबल्स भी और अधिकारी भी हमारे साथ है, तो हम सब सामान्य जनता के पीछे खड़े हैं और इसके आगे जो भी चीज़ें होगी ये सबका सोच समझ के करना चाहिए। जो भी क्रिमिनल्स है, अपराधी है, उनके लिए ये स्पष्ट मैसेज रहेगा, अगर वो कायदे को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर हम सब यहाँ पे खड़े हैं, उनको कायदे से ही हम जवाब देंगे। ठीक है, तो जो भी इलीगल धंधे हैं उसमें अवैध दारू हो गया, NDPS का हो गया और बाकी भी जो इलीगल धंधे हैं, अगर वो चलते हैं तो मैं सब सामान्य जनता से एक विनती करूँगा और एक निवेदन करूँगा कि उसकी तत्काल इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए, हम यहाँ पे आपके लिए खड़े हैं। और जो भी अवैध धंधे करने वाले हैं उनको एक स्पष्ट मैसेज है सीपी सर की ओर से भी, अभी आप समझ जाइए, हम अभी रास्ते पे उतरे हैं, अगर यहाँ पे कोई दिखता है ऐसा करते हुए तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ली जाएगी।